वेलकम ऑन सोल स्टडी। मैं आज आपके साथ हिंदी का एक चैप्टर मनु डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसके राइटर है हृदेश। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। तो अपना हम लेसन शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंडित सत्यनारायण झिंगरन के बारे में। ठीक है, ये एक पंडित है, इनका पेशा क्या है, पंडित। और ये जो है वो एक चोटी रखते हैं, इन्होंने जनेऊ धारण कर रखा है और इनके माथे पे एक तिलक लगा होता है। ठीक है, जैसे एक पंडित होता है वैसे ही, बिल्कुल ये सेम टू सेम वैसे ही है। पंडित सत्यनारायण जो है उनके घर में कोई टोटी वाला जो सरकारी टल होता है वो लगा हुआ नहीं था, जिसके वो जो थे बहुत ही पुराने जमाने के ख्यालत वाले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि जो ये नल होता है उसकी पाइपलाइनें जो होती है नालियों के द्वारा गुजरती है, तो ये इसे बहुत ही गंदा मानते थे, इसलिए वो जो थे कुओं का ही जल प्रयोग करते थे। लेकिन क्या था कि पहले कुएं साफ करने वाला उनके पास एक व्यक्ति भी था, अंगने नाम का एक व्यक्ति था जो अपने बेटे के साथ और अपने मित्र के साथ आके कुआं साफ कर देता था, और वो पैसे भी नहीं लेता था क्योंकि वो इस काम को करने में उसे अच्छा लगता था। लेकिन आजकल जो कुएं साफ करने वाले लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा पैसे मांगते थे, जिसके कारण पंडित जी जो थे वो बहुत ही चिंतित रहते थे। ठीक है, पंडित जी, अब क्या हुआ था, धीरे धीरे कुएं में पानी भी कम होते जा रहा था, लेकिन जैसे ही कुआं साफ होता था पानी वो भर लिया करते थे। तो इसने बताने का मतलब यह है कि पंडित जी की जो सोच थी वो क्या थी, बहुत ही प्राचीन थी। पंडित नारायण जो थे वो स्नान करके 1.5 घंटे तक पूजा करते थे। ठीक है, इनके घर में बहुत सारी मूर्तियां थी भगवान की, और ये जो थे एक तख्ता लगा के बैठ जाते थे, और वो क्या करते थे, पंचांग और ज्योतिषी की कुछ बुक रख लेते थे और जन्म पत्री बनाते थे लोगों की। ठीक है, और पंडित जी को जो पिताजी थे वो भी यही काम करते थे। सत्यनारायण के पिता जो थे उनका इस काम से बहुत अच्छे से घर चलता था, लेकिन जो सत्यनारायण थे उनका शुरू में तो काम अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनका काम अच्छा नहीं चलने लगा, क्योंकि आज हम जानते हैं कलयुग का समय आ गया है और लोग जो है अपनी संस्कृति को, अपने परंपराओं को आज भूलने लगे हैं, तो आज हमें पंडितों की भी आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती है जितनी पहले पड़ती थी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि पंडित जी की जो पत्नी थी वो भी नाराज रहती थी, क्योंकि पंडित जी अपने घर के खर्चे को चलाने में सही से योगदान नहीं दे पा रहे थे। पंडित जी की जो पत्नी थी वो हमेशा ही बड़बड़ाती रहती थी और उनसे कहती रहती थी कि तुम तो घर का खर्चा भी ढंग से नहीं चलाते हो। तब पंडित जी को बहुत गुस्सा आता था और वो कहते थे, तो क्या करूं, क्या जूता बेचना शुरू कर दूं या कोई दूसरा धंधा कर लूं, या आलू प्याज बेचूं, बता मैं क्या करूं। फिर पंडित जी कहते थे, मुझे अपना ये परलोक नहीं बिगाड़ना है। कहने के मतलब वो कहते हैं कि जो मैं पंडित का काम करता हूं मेरे पिताजी भी वही करते थे और मैं भी वही करूंगा, मैं कोई और काम नहीं कर सकता। फिर क्या होता, जैसे ही वो अपना जो सुबह का जो काम करते थे वो थोड़ा बहुत लोगों की कुंडली बनाते थे, और एक दो कुंडली बनाने के बाद वो अपना थैला लेकर और उसमें पंचांग रख कर वो घर से निकल देते थे। पंचांग वो हमेशा अपने साथ रखते थे ताकि कोई भी अगर किसी दोष के बारे में पूछे, एकादशी के बारे में पूछे, तो वो फटाफट बता दें। ठीक है, रास्ते में वो जब जाते हैं तब उन्हें टंडन वस्त्र भंडार दिखता है, मतलब एक कपड़े की दुकान का नाम है ये, टंडन वस्त्र भंडार। ठीक है, तो उन्हें याद आता है कि बहुत समय पहले उन्होंने यहाँ पर पूजा करवाई थी और ये दुकान जो है आज बहुत ही खूब अच्छे से फलती फूलती है, मतलब कहने का मतलब ये दुकान बहुत ही तरक्की कर रही थी। तो उस समय जो उसके परिवार के मुखिया थे वो दीनानाथ थे, लेकिन आज क्या, दीनानाथ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पूजा में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने पूजा करवाई थी। लेकिन दीनानाथ जी का स्वर्गवास हो गया तो अब उनके पोते रह गए थे यहाँ पर, लेकिन आजकल के जो नए बच्चे हैं वो क्या है कि ज़्यादा पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, जिसके कारण उनका काम, पंडित जी का जो काम था यहाँ से बंद हो गया। इसी तरह पंडित जी जो होते हैं रास्ते पे आगे बढ़ते जाते हैं और सोचते रहते हैं कि पहले जो थे पंडितों का कितना सम्मान किया जाता था, लेकिन आज क्या है, पंडितों का बिल्कुल सम्मान नहीं किया जाता, क्योंकि पहले के टाइम में पंडितों को स्टील के गिलास में दूध लेके आते थे वो लोग, उन्हें फल दिया जाता था पंडितों को, लेकिन आज क्या है, आजकल पंडितों को और नौकरों को एक समान माना जाता है, उनको उसी लाइन में खड़ा कर देते हैं जहाँ पर नौकरों की लाइन होती है। तो अब जो सत्यनारायण है उन्हें बहुत ही बुरा लगता है कि आजकल का टाइम कुछ ज़्यादा ही बदलता जा रहा है। फिर सत्यनारायण जो है उन्होंने एक जन्म पत्र बनाया था एक व्यक्ति का, तो व्यक्ति उसे 5 रुपये पकड़ा देता है, लेकिन सत्यनारायण जो है उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि इसने तो बस 5 ही रुपये दिए, तो व्यक्ति उसने 2 रुपये और दे देता है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि जो पंडित की पत्नी थी वो बहुत बड़बड़ाती रहती थी और सत्यनारायण को भी चिंता रहती थी कि उनका काम सही नहीं चल रहा है। तब
पंडित जी जो थे हमेशा अपने साथ गमछा जरूर रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रास्ते में अगर कोई भी व्यक्ति उन्हें मिल जाता है तो उन्हें दक्षिणा कहीं ना कहीं से मिली जाती है। तो इसलिए उस गमछे को साथ में रखते थे और दक्षिणा मिलने पे फटाफट उसमें बांध लेते थे। आगे उनके पास क्या था कि दो केले रखे हुए थे, तो वो देखते हैं कि वो केला जो है अब खराब होते जा रहा है, तब तो वो उसे निकाल के देखते हैं और उसे गाय को दे देते हैं। वहां पे एक गाय होती है तो गाय को दे देते हैं वो केला। फिर उन्हें गाय से याद आता है कि एक बार किसी ने उसे गाय भेंट की थी, सोहन लाल नाम का कोई व्यक्ति था, उसने गाय भेंट करी थी, क्योंकि पंडित जी ने क्या करी थी, उसकी हेल्प करी थी। सोहन लाल के घर पर एक बार छापा पड़ गया था, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, 1 किलो सोना था, 5 किलो चांदी और 50 मोहरे और बहुत सारा रुपया था, ये सब क्या था, सील हो गया था। तब पंडित जी ने बताया कि आपका शुक्र जो है वो खराब चल रहा है, आपको मंगल और शुक्र का व्रत रखना होगा, और इसके अलावा ग्रहों की शांति के लिए पूजा भी करवाई पंडित जी ने। इसके अलावा पंडित जी थे जो, उन्होंने 2.5 महीने तक उस व्यक्ति के बदले खुद ही पूजा करी, और वो व्यक्ति जो था उसका जो भी चांदी सोना जो था वो अफसरों ने उसका छोड़ दिया था, थोड़ा सा ही जुर्माना लिया उन अफसरों ने, और उसके जो भी सामान था वो वापस कर दिया। तो सोहन लाल जो था बहुत ही खुश हो गया, उसको लगा कि पंडित जी की पूजा जो है सफल हो गई और उसको सारा पैसा उसका वापस मिल गया। इसलिए उसने खुशी में क्या किया, अपनी गाय को पंडित जी को दे दिया। ठीक है, इसके साथ साथ में उस व्यक्ति ने खली दाने जो गाय का चारा होता है उसकी एक बोरी भी उसके घर पे पंडित के घर पे रखवा दी थी। ठीक है, 8 सालों तक क्या था कि ये गाय पंडित के घर पे रही, लेकिन 8 साल बाद क्या हुआ, ये गाय मर गई थी। तो 8 सालों तक पंडित जी के घर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, वो बहुत ही दूध हो घी से भरपूर हो गया था उनका घर, उन्हें बहुत अच्छा कुछ खाने पीने को मिलता था। फिर उनकी गाय मर जाने के बाद पंडित जी ने सोचा कि वो नई गाय ले आए, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नई गाय ला सके। पंडित सत्यनारायण हमेशा ही रात को अपनी पत्नी से पैर दबवाते थे, लेकिन अब उनकी पत्नी के हाथों में वो बात नहीं रही थी, क्योंकि उनकी पत्नी के हाथ क्या थे, अब वो कटे फटे थे, जिसके कारण उनकी पत्नी के हाथ उन्हें कोमलता नहीं दे पाते थे। लेकिन फिर भी वो इतने ज्यादा उसके आदी हो गए थे पैर दबवाने के, कि वो बिना दबवाए उन्हें नींद भी नहीं आती थी। इसके बाद वो जब नींद में सपने देखते रहते थे, और उनके सपने में हमेशा एक ही अक्सर सपना आया करता था कि वो एक बहुत बड़े आश्रम में बैठे हुए हैं, और वहां पर 50 जो बालक हैं वो गेरुए रंग के, मतलब ऑरेंज कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, और पंडित जी जो है वो थोड़े ऊंचे आसन पे बैठे हुए हैं, बाकी उनसे नीचे, मतलब वो अपने आप को एक टीचर के रूप में देखते थे कि वो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, विद्या दे रहे हैं। और वो देखते थे कि उनकी पत्नी जो है पीछे कुटिया के पीछे रसोई बना रही है। ठीक है, और थोड़े ही देर में क्या होता है कि वो सपने में देखते हैं कि बहुत ज्यादा धूल उड़ने लग जाती है, उस धूल के पीछे से एक रथ आता है, और रथ में बैठे एक राजा उतरते हैं उस रथ से, और जो राजा हैं उनके सर पे एक बहुत अच्छा मुकुट है, और जब वो राजा उतरते हैं तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर पंडित जी को प्रणाम करते हैं, और कहते हैं कि पंडित जी से कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे विद्या दे। और साथ में ही जो राजा होता है साथ में अपने साथ बहुत सारे गेहूं चावल की बोरियां लेके आता है, शहद लाता है, घी लाता है, और वो सारा सामान क्या होता है आश्रम में उतारा जाता है। ये जो है पंडित जी का सपना है जो वो देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वो देखते हैं कि एक सपना और होता है उनका, कि वो जो है पालकी पर बैठे जा रहे हैं, और पालकी को जो है 4 कहार जो है अपने कंधे पर उठा रखा है 4 कहारों ने, और पालकी जहां से भी गुजरती है लोगों के हाथ जो होते हैं जुड़े रहते हैं, लोग उन्हें नमस्ते करते रहते हैं, और सभी जो होते हैं अपना सर नीचे कर लेते हैं, और पंडित जी जो है सभी को रास्ते में आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। ठीक है, ये तो पंडित जी का सपना था जो वो हमेशा ही रात को देखा करते थे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। इसके बाद इस चैप्टर में बताया गया कि पंडित जी जो थे उनके 7 बच्चे थे। ठीक है, उन 7 बच्चों में उनकी 6 पुत्रियां थी और एक जो था उनका बेटा था। वो 5 बेटियों की अपनी शादी कर चुके थे। छठी बेटी जो थी वो अपने भाई के पास रहती थी। उसका जो भाई था, मतलब पंडित जी का जो बेटा था, वो घर छोड़ के भाग गया था, क्योंकि पंडित जी चाहते थे कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर पंडित बने, लेकिन पंडित जी का बेटा जो था वो कुछ और ही चाहता था, इसलिए वो घर छोड़ के भाग गया और अपनी छोटी बहन को अपने साथ ही रखता था। और घर छोड़ के जब भागा तो उसने शादी भी कर ली थी, वो शहर में रहा करता था।
उन्होंने अपनी एक पुत्री का विवाह जो था वो एक पंडित से करवा दिया था, और दूसरी पत्नी का दूसरी जो पुत्री थी उनकी, उसका विवाह किससे करवाया था? उसने पुजारी से करवाया था, हनुमान मंदिर का पुजारी था उससे करवाया। और तीसरी जो पुत्री थी उनकी, उसने उसका जो विवाह करवाया वो स्टाम्प बेचने वाले व्यक्ति से करवाया। और चौथी जो उनकी पुत्री थी, उनकी पांचवी जो पुत्री थी उसका विवाह जो था जिला परिषद के एक स्कूल के अध्यापक से हुआ था। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम थी कि उस टीचर की एक दाई आँख खराब थी, ठीक है। और छठी बेटी तो हमें पता है कि वो अपने भाई के साथ ही रहती थी। तो अब जब कभी भी जो सत्यनारायण थे कभी कभी अपनी तारीफ करने लग जाते थे कि मुझे जो है ग्रहों का इतना ज्ञान है, मैं सब जानता हूँ, तब उनकी पत्नी जो बहुत ही गुस्सा होकर आती थी और कहती थी कि पार्वती की कुंडली भी तो तुमने ही मिलाई थी, तो क्यों 5वें साल बाद ही वो विधवा हो गई। पार्वती जो थी उनकी चौथे नंबर की पुत्री थी, उसके शादी के 5 साल भी बाद वो क्या थी, विधवा हो गई थी। तो उसकी पत्नी बहुत गुस्सा करती थी कि तुम कैसे पंडित हो जो तुमने ये भी नहीं देखा अपनी बेटी के कुंडली मिलाते वक्त कि उसके कुंडली में क्या दोष है। तो पंडित बोलता था कि मेरा क्या दोष है, क्या पता उस व्यक्ति ने उसने क्या पता मुझे गलत ही कुंडली दी हो। फिर बोलता है कि पंडित जो होते हैं वो कहते हैं कि बाकी पुत्रियां तो हमारी बहुत ही आनंद से हैं। फिर पत्नी उसकी बहुत गुस्सा होती, कहती क्या खाक आनंद से है मेरी बेटियां, सभी की सभी जो है प्रॉब्लम्स में है। मंगला जो थी उनकी दूसरे नंबर की पुत्री थी, वो उसका पति उसे बहुत ही मारता था, और वो जो हनुमान मंदिर के पुजारी के साथ ब्याही गई थी। फिर उसका पति जो होता है, कहने का मतलब जो पंडित जी होते हैं वो भी अपनी पत्नी पर चिल्लाने लग जाते हैं। पंडित सत्यनारायण और उनकी दो पत्नी, ये दोनों कहते छोटे छोटे बातों पे झगड़ते रहते थे। फिर पंडित जी की जो पत्नी थी वो अपने बेटे के बारे में बोलती है, उसके बेटे का नाम था भृगु नारायण, ठीक है। पंडित की पत्नी कहती है कि तुम तो चाहते थे कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह बने, अच्छा हुआ वो तुम्हारी तरह नहीं बना, वरना वो भी तुम्हारी तरह बेकार हो जाता। पंडित जी जो थे वो अपने बेटे को श्लोक और मंत्र पढ़ाते रहते थे, लेकिन उनका बेटा था वो गलत गलत उच्चारण करता था, तो वो बहुत ही डांटते थे उसे, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने बेटे को देखते हैं कि वो कोई उपन्यास पढ़ रहा है, उस उपन्यास का नाम था गुनाहों के देवता। ये देख के उन्हें बहुत ही गुस्सा आया, तो उन्होंने अपने बेटे की बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई करी, और उनका बेटा जो था भृगु वो मार पड़ने पर वहां से भाग जाता है दूसरे जिले में, और दूसरे जिले में वो जाकर वहां पर दाल मिल में नौकरी करने लग जाता है। इसके बाद पंडित जी ने अपने बेटे का विवाह तय किया था, और भृगु जो होता है उस लड़की से शादी भी कर लेता है। तो पंडित को लगता है शायद मेरा बेटा जो है वो सुधर जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है कि पंडित जी का जो बेटा था भृगु वो कानपुर में जाकर कपड़ा के मिलों में काम करने लग जाता है, और वो कानपुर में ही रहने लग जाता है। फिर उनका बेटा भृगु जो था वो पंडित जी को बुलाता है, और पंडित जी और उनकी पत्नी दोनों ही के दोनों 2-3 महीने के लिए वो सोचते हैं कि जाके हम कानपुर में रहेंगे, और वहां पे वो नित्य जो वो सोचते हैं कि वहां पे जाके वो गंगा में नहाएंगे भी, ठीक है। इसके अलावा पंडित जी सोचते हैं कि मैं अपना जो काम है, मेरा काम पंडितगिरी का, मैं वहां पे जाके कोशिश करूंगा कि मैं अपना ज्योतिष का ज्ञान का जो सिक्का है वहां पे जाके आजमाऊं। लेकिन क्या होता है कि जब वो कानपुर आते हैं तब वो अपने बहू को देखते हैं। उनकी बहू जो थी उनका इतने सही से ध्यान नहीं रखती थी, क्योंकि उनकी बहू ना तो उनके खाने पीने का ध्यान रखती थी, ना ही ढंग से कपड़ों का ध्यान रखती थी। इसके अलावा उन्हें इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम थी कि उनकी जो बहू थी वो रसोई के बर्तन को आस पड़ोस में दे देती थी। एक दिन पंडित जी का बेटा जो भृगु है वो नहाकर आता है, तो पंडित जी देखते हैं कि उसके बेटे ने जनेऊ धारण नहीं कर रखा है। तब पंडित पूछता है कि तुम्हारा जनेऊ कहाँ है, तो उसका बेटा बहाना मारता है कि कपड़े उतारते वक्त शायद निकल गया होगा। फिर उनका बेटा भृगु अपना जनेऊ लेके आता है, तो जनेऊ में क्या होता है बहुत सारी गांठें लग जाती है। तो पंडित जी कहते हैं ये तो खंडित हो गया है, ये जनेऊ खराब हो गया है, मैं तुम्हें दूसरा जनेऊ देता हूँ। तो जैसे ही वो दूसरा जनेऊ देता पंडित जी देने लगते हैं अपने बेटे को, तो उनका बेटा कहता है कि ये जनेऊ जो है जब मैं पहनता हूँ तो मेरा इंचार्ज जो है गोडाउन का वो हंसता है मुझ पे। वो कहता है कि अगर इस जनेऊ को बांधना था इससे अच्छा था तुम अपने शरीर में धागा बांध लेते हैं, और वो ये भी कहता है कि अगर तुम इस जनेऊ को धारण करोगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पंडित जी को ये सुनकर गुस्सा आता है और कहते हैं कि कौन सी जाति का है वो। तो उसका बेटा बताता है कि वो तो ब्राह्मण है। फिर पंडित जी कहते हैं कि वो ब्राह्मण ही राक्षस होगा, क्योंकि उसे अकल नहीं है
क्योंकि ये जो है जो जनेऊ धारण करते हैं वो जो होते हैं उच्च वर्ग के लोग होते हैं। तो क्या जिन ऋषि मुनियों ने कहा है कि जनेऊ धारण करना चाहिए वो सब क्या पागल है? ये सोचकर इन दोनों में क्या होती है कि बहस हो जाती है बेटे और बाप में। पंडित जी जो थे वो अपने बेटे के घर में बरामदे में ही सोते थे क्योंकि उनके घर में और कोई जगह नहीं थी, तो वो बरामदे में ही अपनी पत्नी से पैर दबवाते थे। एक दिन उनका बेटा देखता है कि उसके पिता जो है अपनी उसकी मम्मी से पैर दबा रहे हैं, तो वो चिल्लाने लग जाता है कि पापा आप ये क्या कर रहे हो। तो पंडित जी को गुस्सा आता है, कहता है इसमें क्या कोई खराबी बात है, मैं अपनी बीवी से सेवा करवा रहा हूँ, क्या ये गलत है? तो उसका बेटा बोलने लग जाता है कि हाँ ये गलत है। फिर इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है बाप बेटे में। फिर इसके बाद क्या होता है कि उसके बाप को मतलब पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी को लेकर वहां से जाने की ठान लेते हैं। और उनका मन था कि वो अपनी जो छोटी बेटी है उसको साथ लेकर जाए, लेकिन उसकी छोटी बेटी जो होती है वो कहती है कि नहीं पापा, मेरा स्कूल का 1 साल खराब हो जाएगा, मैं यहाँ ठीक ठाक से हूँ, भैया भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पंडित जी जो थे वो बहुत ही गुस्से में थे, उनको बहुत गुस्सा आता है कि समय जो है आज इतनी तेजी से बदल रहा है जितनी तेजी से उसे नहीं बदलना चाहिए। वो कहते हैं कि आज हम क्या है अपने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं जिस मूल्य को हमें नहीं भूलना चाहिए। जो पंडित जी थे सत्यनारायण जी थे उन्हें वो बहुत ही क्रोध में बैठे हुए हैं। अब पंडित जी जो हैं वो अपने घर आ चुके हैं और एक दिन वो क्या है अपने घर की बैठक में बैठे हुए होते हैं और उनके घर का दरवाजा खुला होता है। तो अब वो काम कर रहे होते हैं तो वहां पर पीतल की एक दावत रखी होती है, एक दवात रखी होती है सॉरी, उस दवात के बगल में एक पीतल का छोटा सा रेतदानी होता है, उसके अंदर रेत रखी होती है। तो पंडित जी के पास एक दवात थी जिसकी स्याही बहुत ही काली थी और उनके पास एक रेतदानी थी और कलम भी था। ये सब उन्हें अपने पिता से मिला था, उनके पिता ने उन्हें गिफ्ट दिया था। उस समय पंडित जी जो थे वो पंचांग फैलाए हुए बैठे थे और वो देखते हैं कि इस वर्ष कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा का पूरा जो साल है वो झगड़ों से भरा रहेगा। और पंडित जी की राशि भी क्या थी, कुंभ थी, इसलिए वो क्या करते हैं कि शनि को अपने कम करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में लोहे का एक छल्ला पहन लिया। तभी थोड़ी देर में क्या होता है कि उनके दरवाजे से एक चीज अंदर उनके घर में घुसती है और एक वो जो चीज थी वो क्या थी, वो मुर्गी थी, और उनके जाके पंडित जी के गोद में आकर वो गिर जाती है। पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पंडित जी कहते हैं ये मुर्गी किसकी है, उन्हें मुर्गी या बकरी मतलब जानवरों से बहुत ज्यादा नफरत होती है क्योंकि वो शाकाहारी थे। तब पंडित जी को गुस्सा आता है, वो कहते हैं ये मुर्गी किसकी है। तभी एक लड़की आती है, कहती है मेरी ये मुर्गी है। दरअसल वो जो मुर्गी थी वो पंडित जी के सामने घर में जो सामने एक भंगी रहता था मोहना नाम का, उसकी थी। मोहना जो है आदमी का नाम है। वो जो था वो हमेशा से ही मुर्गियां पालता था, सुअर पालता था। पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है कि ये मुर्गी उनके घर में कैसे आ गई, अब मुझे तो नहाना ही पड़ेगा। फिर उनका उन्हें याद आता है कि उनके घर के सामने पहले मुन्ना नाम का एक भंगी रहता था और ये जो मोहना है वो मुन्ना का दामाद होता है। ठीक है, मुन्ना जो था वो बहुत ही सीधा साधा भला भंगी था और वो कभी भी ये मुर्गियां या सुअर नहीं पालता था, लेकिन उसका जो दामाद होता है मोहना वो हमेशा से ही मुर्गियां सुअर ये सब कुछ पालता है। तो पंडित जी को भंगी के घर के सामने रहना पसंद नहीं था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो दूसरी जगह घर भी ले सके। एक बार पंडित जी अपने घर के चबूतरे पे बैठे थे तब वो देखते हैं कि बहुत सारी मुर्गियां जो है गली में इधर उधर घूम रही है और दो सुअर वहां पर बैठे होते हैं। तो पंडित जी कहते हैं ये इलाका तो बहुत ही खराब हो गया है। तभी मोहना की जो वाइफ होती है वो वहां पे आती है, कहती है ज्यादा इतराओ मत, तुम्हारे घर मेरी मुर्गी इसलिए चली गई थी क्योंकि उस पर आके बिल्ली ने उस पर आके आक्रमण किया था, उस पर कब्जा करने की कोशिश करी थी। दरअसल क्या होता है कि मुर्गी उनके घर में जब मोहने के घर में थी तब वहां पर एक बिल्ली आती है और उस पर झपटने लग जाती है। तब वो मुर्गी अपने आप को बचाने के लिए पंडित जी के घर में घुस जाती है। तब मोहना की जो वाइफ थी वो चिल्लाने लग जाती पंडित जी पे कि तुम ज्यादा बना मत करो, ये मुर्गी ही तो है, कुछ और थोड़े हैं। तभी पंडित जी को वो सलाह देने लग जाती है, अगर तुम्हें मुर्गियों से इतनी नफरत है तो तुम अपने घर में ऐसा करो कि जाली क्यों नहीं ठुकवा लेते। तब पंडित जी चिल्लाते हैं, कहते हैं कि एक तो तुम्हारी गलती है और ऊपर से बकवास कर रही हो, तुम ही अपने घर में अपने घर को सील क्यों नहीं करवा लेती हो, अपने घर में जाली ठुकवा लो, मुझसे ज्यादा बोलो मत। मोहना की वाइफ और पंडित जी में तू तू मैं चल रही थी। ठीक है, तभी क्या होता है उनके बीच की जो लड़ाई सुनकर उसका पति आता है, मोहना आ जाता है और चिल्लाने लग जाता है
पंडित जी पे कि क्या तुमने ये लगा रखा है, ये क्या तुम्हारी जमीन है, क्या हमें यहाँ से निकाल दोगे। तो पंडित जी को मोहना जो था बहुत ही गलत तरीके से इशारे करके बोलता है कि यहाँ से निकलो, चलो कट लो यहाँ से। तब क्या होता है कि पंडित जी को सत्यनारायण जी जो है उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और तिलमिलाते हुए वो घर में जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि आजकल सरकार ने भी इन चमारों को, भंगियों को बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ा रखा है, क्योंकि जो मोहना थे उस मोहना को बैंक से कुछ लोन मिला था सुअरों को पालने के लिए, ठीक है। तब वो एक दिन क्या, फिर एक दिन पंडित जी घर से निकलते हैं, बहुत ही साफ सुथरा धुला हुआ कुर्ता पहन के जाते हैं और सर पे उन्होंने चंदन का टीका लगा रखा होता है। और जब वो जाते हैं तब वो जा रहे थे पुलिस स्टेशन जाते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन में किसी एक सिपाही उनके पास आया था अपनी पत्नी की जन्म कुंडली लेके। तो वही जन्म कुंडली लेके वो जाते हैं उस सिपाही को देने, लेकिन वो सिपाही वहां पर नहीं होता। तब वो देखते हैं, पंडित जी देखते हैं कि वहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर बैठा है। तो पंडित जी सोचते हैं क्यों ना मैं मोहना की शिकायत इसको कर देता हूँ। फिर वो पंडित जो होता है मोहना की शिकायत करने लग जाता है कि हमारे घर के पास में एक भंगी है जो बहुत सारी मुर्गियां रखता है, सुअर रखता है, हमेशा जब देखो जब वो मेरी भंगी जो है अपनी मुर्गियों को, सुअरों को मेरे घर में घुसा लेता है, तो इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज आप कोई एक्शन लो। लेकिन जो पुलिस होता है कहता है कि ये तो छोटी सी बात है, कौन से तुम्हारे घर में कोई कांड हो गया है, कोई खून हो गया है, तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर यहाँ पे आ गए हो। फिर वो बोलते हैं पंडित जी कि नहीं, वो बहुत ही खराब आदमी है, वो जो गालियां भी देता है और बहुत से उल्टी पुल्टी बातें भी करता है। फिर इस पुलिस कहता है कि जरूर तुम भी ऐसा ही करते होगे उसके साथ, तभी वो तुम्हारे साथ ऐसा करता है। एक्चुअली क्या होता है कि पंडित जी जो थे वहां पर कंप्लेन लेके जाते हैं, लेकिन वो पुलिस जो होता है पंडित जी के ऊपर ही चढ़ जाता है, क्योंकि पुलिस भी जो था वो भी चमार था। तो पंडित जी जो थे बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं भंगियों चमारों का, वो उल्टी पुल्टी बातें कहते हैं, तो ये बात पुलिस को अच्छी नहीं लगती और पुलिस कहता है कि अपने सिपाही को बुलाते हुए कि इस पंडित को भी जेल में डाल दो। लेकिन फिर क्या होता है कि पंडित जी को छोड़ दिया जाता है, और पंडित जी जब बाहर जाते हैं तब उन्हें समझ आ जाता है कि वो सोच रहे थे कि ये पुलिस तो शायद उच्च वर्ग का होगा, लेकिन वो जो पुलिस था वो भी चमार वर्ग का था, इसलिए उसका पुलिस के साथ भी क्या हो गया, एक तरीके से लड़ाई हो जाती है। तब वो घर आ जाते हैं पंडित जी और देखते हैं कि उनकी गली में फिर से वही मुर्गियों और सुअरों की वहां पर भीड़ लगी हुई है। पंडित जी जो थे वो बहुत ही प्रॉब्लम में आ गए थे, वो कहते हैं कि मेरी खोपड़ी जो है हांडी बन चुकी है, मतलब मेरी खोपड़ी है जो फूटती हुई जा रही है। फिर क्या होता है कि उनके घर उनके बेटा जो भृगु जिसका नाम था, वो उसे पंडित जी को मनी ऑर्डर भेजता है 50 रुपये का, और उस पर लिख के स्पेशली भेजता है कि ये जो मनी ऑर्डर है वो अम्मा के लिए भेज रहा हूँ, उनके लिए कपड़े बनवा देना। पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है कि ये तुम इसमें लिख के क्या भेज रहे हो, ये पैसे का जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा, तुम्हें ये भेजने की जरूरत क्या थी, ये लिखने की क्या जरूरत थी। तब उन्हें गुस्सा आता है और वापस वो मनी ऑर्डर अपने बेटे को ही भेज देते हैं। फिर उन्हें गुस्सा आता है और कहते हैं कि अब मेरी जो छठी नंबर की जो बेटी है मैं उसकी भी शादी जल्दी से जल्द करवा दूंगा और उसके वहां से ले आऊंगा। फिर क्या होता है, एक दिन वो सब्जी लेकर आ रहे थे, तभी वो देखते हैं कि उनके दरवाजे पे एक कुत्ता मरा होता है। वो एकदम से कहते हैं कि यार ये तो नई परेशानी आ गई, रास्ते में आते वक्त बिल्ली भी बिल्ली जो थी उनका रास्ता भी काट गई थी। फिर वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि ये क्या हो गया हमारे घर के बाहर। फिर उनकी वाइफ बताती है कि एक फटपटिया वाला आया था, मतलब एक मोटर गाड़ी वाला एक व्यक्ति आया था, शायद उसी ने इस कुत्ते को मारा होगा। फिर पंडित जी चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम्हें बाहर आके देखना चाहिए था। फिर उसकी वाइफ कहती है कि मैं क्या देखती। फिर क्या होता है कि पंडित जी सोचते हैं कि कल तो अब रविवार है और ना तो कूड़े उठाने वाली जो गाड़ी है वो भी नहीं आएगी, सफाई वालों की कल छुट्टी होती है। तब उन्हें बहुत ही बुरा लगता है कि अब मैं क्या करूं। तभी पंडित जी जो थे वो घर के पास में एक जमादारी रहती थी, तब वो उसे जाके कहते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है, क्या वो मेरे घर के सामने जो कुत्ता मरा है वो उठा देगा। तब जमादारी बताती कि नहीं, मेरे पति की जो हालत ठीक नहीं है, तुम जाके किसी और से बात कर लो। तब पंडित जी सोचते हैं कि एक ऐसा आदमी बस मोहना ही है जो इस कुत्ते को उठवा सकता है। तब वो उसके पास मोहना के पास जाते हैं और मोहना से बोलते हैं कि मोहना मेरे घर के आगे कुत्ता मर गया है, क्या तुम उठवा दोगे। मोहना जो होता है कुछ टाइम तक चुप रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। फिर बाद में वो कहता है कि उसकी वाइफ कहती है मोहना की हाँ उठवा देंगे, और कहते हैं जो भी कुत्ता उठवाएगा मैं उसको रुपया दे दूंगा। फिर क्या होता है कि मोहनलाल कहता है बस मैं 5 मिनट में आता हूँ, रुक जाओ तुम थोड़ी देर।
फिर सत्यनारायण जी जो पंडित होते हैं वो घर चले जाते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि मोहनलाल जो है मोहना अभी तक आया नहीं, और ना तो वो कहता है ढंग से कि हाँ उठवा दूंगा, ना तो वो मना करता है। फिर पंडित जी सोचते हैं चल घर के बाहर वैसा ही कोई और दूसरा आदमी ढूंढता हूँ, लेकिन वैसा कोई आदमी नहीं मिलता। तो फिर उन्हें गुस्सा आने लग जाता है और अपनी बीवी से वो लड़ने लग जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें तो कुछ पड़ी ही नहीं है कि घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा है और शाम भी होने वाली है, कुछ भी नहीं कर रही हो तुम। तो उसकी बीवी बोलने लग जाती है कि तुम ही क्यों नहीं उठा के फेंक देते हो। पंडित जी कहते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में क्या मैं अपनी मर्यादा को तोड़ दूं, मैं एक पंडित हूं, मैं उसे छू भी नहीं सकता। फिर आगे क्या होता है कि मोहना का वो वेट करते रह जाते हैं, लेकिन मोहना वहां से आता नहीं है। तभी एक मोटा सा सुअर वहां पर आता है और उस कुत्ते को बार बार आके चाटने लग जाता है। ये देख के पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है कि मोहना का इंतजार कर रहा हूँ, वो तो अब तक आया नहीं और ये सुअर जो ये बार बार यहाँ पर आ रहा है। फिर क्या होता है, उन्हें गुस्सा आता है और वो पंडित जी एक ईंट उठाते हैं और उसको मारने लग जाते हैं। तो जो सुअर था वो भागने लग जाता है। फिर क्या होता है कि पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है और अंदर घर के अंदर से वो एक बांस की मोटी सी लकड़ी लेके आते हैं और उस सुअर के पैर पर मार देते हैं। सुअर जो था वो किकियाता हुआ तेजी से घर के अंदर भाग जाता है। तभी वहां पर मोहना आता है, कहता है कौन है बे जो मेरे सुअर को मार रहा है। फिर पंडित जी में और मोहना में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। मोहना जो चिल्लाने लग जाता है कि गरीब सुअर को तुमने क्यों मारा है, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। फिर पंडित जी कहते हैं इतनी देर से मैं तुम्हें कुत्ता उठवाने के लिए बुला रहा हूँ, तब तक तो तुम आए नहीं और अब बड़ी जल्दी आ गए हो। फिर क्या होता है कि जो मोहना का एक फ्रेंड होता है फिर से वो पंडित जी की हंसी उड़ाने लग जाता है। मोहना का फ्रेंड पंडित जी को कहता है कि कुत्ते का क्रियाक्रम तुम ही क्यों नहीं कर देते, तुम तो पंडित हो। फिर पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है, कहते हैं कि साले तू अपने बीवी बच्चों का क्रियाक्रम कर ले। फिर पंडित जी कहते हैं तुम्हें तो बोलने की बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, बिल्कुल तमीज नहीं है। तो क्या होता है, इन दोनों में बहुत लड़ाई शुरू आती है, मोहना में और पंडित जी में। फिर आसपास बहुत भीड़ जमा हो जाती है। उस भीड़ में क्या होता है, सुअर एकदम से आता है और पंडित जी के पास आकर उनका पैर चाटने लग जाता है। तो इस बीच में क्या होता है कि पंडित जी अपने आप को बचाने के लिए भागने लग जाते हैं और वहीं पे पंडित जी की धोती खुल जाती है। तो सभी लोग क्या करते हैं कि हंसने लग जाते हैं, पंडित जी का पूरा मजाक बन जाता है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लग जाते हैं कि पंडित जी जो है मोहना से पिट गए। अब पंडित जी अपने घर जाते हैं और वो नहाना शुरू करते हैं। जब वो नहाते हैं ना तो उनका क्रोध बहता है ना ही अपमान। कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा गुस्से में है और उनका गुस्सा जो है उनमें भरा हुआ है। और क्योंकि अब उन्हें इतना गुस्सा आ रहा है क्योंकि उन्हें भंगियों ने बहुत तरीके के गलत गलत गालियां दी होती है और उन्हें आज बहुत ही बड़ा धक्का लगा था, जैसे धक्का उन्होंने आज तक नहीं झेला था। पंडित जी कहते हैं कि अब इस दुनिया से अगर मेरा दाना पानी भी उठ जाए तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि ये दुनिया इज्जतदार लोगों के लिए रहने लायक बची नहीं है। आज तो क्या है कि सिर्फ भंगी चमारों का ही राज हो गया है। फिर उन्हें याद आता है कि जब वो थानेदार के पास गए थे तो थानेदार भी क्या था कि भंगी चमारों का ही पक्ष ले रहा था। मतलब पंडित जी बहुत ज्यादा यहाँ पर दुखी हो गए थे क्योंकि उनकी कोई भी नहीं सुन रहा था और वो सोच रहे थे कि कुएं पर जो रस्सी पड़ी है क्यों ना मैं उसी से लटक कर मर जाता हूँ। अब वो क्रोध से अंधे हो चुके थे, बिल्कुल सोच रहे थे कि मुझे इस दुनिया में अब जीने का कोई हक नहीं है क्योंकि यहाँ अच्छे लोगों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। फिर पंडित जी जो नहाते हुए जब कपड़े बदल रहे थे तभी वहां पर एक मिट्टी का कनस्तर रखा हुआ था, वो कनस्तर गिर जाता है और वो फिसल जाते हैं। फिर जो भी कनस्तर में बचा हुआ तेल होता है पंडित जी अपने ऊपर डाल लेते हैं और जलती हुई कुप्पी से वो अपने अपने को आग लगा लेते हैं। तो पंडित जी की यहीं पर मृत्यु हो जाती है। कहने का ये मतलब है कि पंडित जी जो थे इस दुनिया के लोगों से परेशान हो गए थे क्योंकि आज दुनिया के लोग क्या है वैल्यू भूल चुके हैं और पंडित जी ने इस गुस्से में आकर आत्महत्या कर ली। ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।